चैनल कैसे हैं सभी लोग, होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मुस्कान दीदी का लगन डे, यानी कि आज है मुस्कान दीदी की लगन लिखी जाएगी। तो गाइस इतनी हबड़ा दबड़ी मच रही है ना घर में बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह से आज हम लोग को लेट उठने में ना बहुत लेट हो गया। पता नहीं क्या रीजन हुआ, क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ है सबके संग, सभी की आंख नहीं खुली। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों ने जल्दी जल्दी फिर भी सब कुछ निपटा लिया। तो अब बज रहे हैं 10, पंडित जी आने वाले हैं, लगन लिखी जाएगी। क्योंकि 9 से 10 के बीच में पंडित जी ने टाइम दिया था कि मैं आ जाऊंगा, तो 10 बजे कंप्लीट मैं जल्दी जल्दी उठ के सबको लगा दिया लाइन पे और सारे काम हो गए हैं फाइनली। और मैं भी रेडी हो गई हूँ और मुस्कान दीदी भी हमारी रेडी हो रही है। मुस्कान दीदी ने पहली बार साड़ी वेयर करी है, कैसी लग रही है आ गई है मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि माई सास वगैरह सब आ गए हैं। आगे का ब्लॉग मैं बोल नहीं पाऊंगी, जो जो आप लोगों को दिखाते जाएंगे वो आप देखते रहना, एंजॉय करते रहना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ गली में नौता देने सबको कि लगन में आना है। ठीक है, हाँ तुम भी चलो यानी मैं भी चलूँ। तो इनका फाइनल लुक मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि लड़की लगन में बहुत सिंपल बैठती है, तो अभी ऐसा कुछ इनका है नहीं। और मैं जा रही हूँ जल्दी से। ठीक है, तो गाइज ये हमारे घर की सबसे बड़ी बूढ़ी हमारी माई सास आ चुकी हैं। फोकस ये सबसे प्यारी और सबसे अच्छी हमारी माई है, सबसे प्यारी। और ये हमारी नंदरानी बैठी हैं, जिनकी आज लगन लिखी जा रही है। और ये हमारी मम्मी, और ये अभी हमारे चॉकलेट खा रहे हैं, और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। पंडित जी भी आ चुके हैं और यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है। और ये अभी नहाई भी नहीं, आज नहाएगी अभी। मैंने कहा इन्हें बाद में देखेंगे अभी, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। माई हाथ ताप रही हैं और मम्मी ढोलक पूजेंगी और सब देखेंगे मुस्कान दी की शादी माई। तो गाइस लगन की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये हमारी बन्नो रानी, आज इनका पहला शुभ दिन, शादी के कार्यक्रम स्टार्ट। ये भी तैयार है लगन के लिए अपनी छोटी बहन, और यहाँ पे चल रही है पूरी लगन की तैयारी। सही आ गए, 12 बजे आएगी ये। हाँ है। क्या हो रही है तुम्हारे घर? हीना बहू बुलाओ, कहते हीना बहू आओ, अब आते हीना बहू को चम्मच की रही है। मंगल मांगल शनि ले लो पल्लू में। अरे इसे ले लो पल्लू में, चावल वहाँ चढ़ा दिए। चढ़ा दिए, चलो ठीक है, अब लेके आवे ना पल्लू। हाँ ये चढ़ा दिए, इधर से ही बनाओ। उसके अंदर निवासी स्थान नवाबपुरा रामगंगा के क्षेत्र के सुख संबंध एक एक करके चढ़ाओ। हेलो, कन्या नाम मुस्कान, छोटी नहीं, मैं तो सही ला रहा था। अरे अभी आ रही हूँ, लगन लिखी जा रही है अभी। पत्रिका हम श्रीमान, थोड़ी थोड़ी करके चढ़ाओ। अरे मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में अभी। दीनी सुगंधिनी मैं प्रभु महिताने पुष्पाणी पूजते प्रतिकृतां श्री गणेशाय नमः।
तो बड़ी है इनके हाथ पर साथी साथी मैं तो ले साथी तू।
लगन पात्र का हम लिखतम एम श्री नारायण नमः। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तेरे बाल बड़े घुमराले जस बादल काले, तेरे बाल बड़े घुमराले जस बादल काले, तेरी मोर मुकुट तेरी मोर मुकुट में दुनिया पे बलिहार लगन लिखवाने के बाद जब मैं आया था तो बाहर आ गए थे कुछ काम निपटाने के लिए, तो फलों की टोकरी का काम कर रहे थे और इसके इसी बीच में ना चोट भी लग गई ना के वही जल्दबाजी के काम ऐसे ही होते हैं भाई, तो बस चल रहे हैं जल्दी जल्दी। और आज ना धूप बिल्कुल भी निकली यार, मेरी आवाज अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। और पीयूष और महक को भी हम लोग लेके आए थे, तो आधा सामान उनके संग में हमने गाड़ी पर रख के भेज दिया, तो बाकी सामान हम लेके चले हैं। अंदर से घर सभी फल उनके फिर लगा दो, मैं देखती हूँ। मम्मी निशा कह रहे थे मैं साड़ी में मैं कैसे करती, बहुत परेशान हो जाती, एंड टाइम पे बदली है मैंने।
आप बोले मैं शाम को जीत जीते ना ना मैंने कहा ये कर लो क्योंकि स्कूटी नहीं थी बाइक पे जाना था वो तो है ही और आप भरोसी बना लो भगवान जी सो रहे हैं कुछ ज्यादा ही चल पूरा मार ले जब इच्छा होगी भगवान जी की चार कुटिया बनाऊंगा उनके कुटिया कुटिया भी तो बनती है कुटिया चलो बनाओ छोले भाभी गीली ज्यादा हो गई क्या सूखी और ना है मिट्टी बहुत सारी मिट्टी थी कौन सा कुछ करना है ऐसी हाँ है। पहले होते थे भाई ये इतने ईंटों के ऊपर बनते थे भैया हवा भर कर आ गए ना रात को उस पे खाना बनता था चूल्हों पे बड़े बड़े और खाने में स्वाद ही अलग ही बड़ा बढ़िया मसाला ठंडियों में दीदी अच्छे बन गए थे वैसे है ना वो मट्टी अलग थी मिट्टी बढ़िया थी।